एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफी दिनों बाद मैंने कुछ सोचा, शूट किया जाए, कुछ व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए। सो आज मैं आ चुकी हूँ बिहार से। मैंने बिहार का कुछ शूट नहीं किया उतना कुछ खास, बट लिटिल बिट किया है। हम बिहार गए थे हमारी पूरी फैमिली, कुछ ओकेशन था। मेरी जो मदर इन लॉ थी, कज़न, वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनको 1 साल हो गया था, तो उनकी बरसी में गए थे हम लोग। तो हमारे में पूजा पाठ होता है बहुत से एक दिन पहले, एंड भोज होता है पूरे गांव का, जो कि बिहारी स्टाइल में काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी एंजॉय किया हमने वहाँ पे, और कृष्णा ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पे। सो वीडियो में बनी रहेगा, मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा क्लिप शेयर करूँगी कि वहाँ पे भोज कैसा था। ये आप देख सकते हो, हम जा रहे हैं बिहार पूरी फैमिली। कुछ ओकेशन है, वीडियो में बने रहेगा, पता क्या चल कर जाएगा रहे क्या हो यहाँ ओकेशन है। पे? और कृषा ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया, पैकिंग नहीं करने दे रही। आप देख सकते हो, अपने सारे टॉयज ही बैग में समेट रही है। The next day. हम पहुंच चुके हैं बिहार। बिहार पहुंचते सबसे पहले हमने चाय पी, बिकॉज हम सुबह के 3 बजे पहुंचे थे। और यहाँ पे कृषा की मस्ती स्टार्ट हो गई स्टेशन के बाहर। हम स्टेशन के बैक साइड पे उतरे थे। कृषा, ये हमें हाजीपुर की साइड जाना था, तो हमने बैक साइड से हमने स्टेशन के बैक साइड से एग्जिट किया था। और यहाँ पे कृषा पहुँच गई है ऑटो वाले से पूछने की, भैया कितने पैसे लोगे? कृषा कितने पैसे लेगा ऑटो वाला? क्या 200? 200? फिर हमें ऑटो बुक कर लिया। और फिर देख रहे हो, खुशी देखो, बच्चे कितने खुश है। वो इसको बहुत मज़ा आ रहा था। ये पूरे रास्ते बस एक ही चीज़ बोलते जा रही थी, कितना मज़ा आ रहा है। और ऑटो में ना चिड़िया थी, देखो कितना अच्छा सा था। तो उसको देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत उसको मज़ा आ रहा था। सुबह 3 बजे का टाइम था, तो हम लोगों ने इसको अपने बीच में डाल रखा था दबा के, ताकि उसको हवा न। बाबू हम कहाँ जा रहे हैं? हाजीपुर। कहाँ जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हो? छोटी मम्मा पास। किसके पास जा रहे हो? हाजीपुर जाने में ना मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि जब हम जाते हैं ना घर, तो रास्ते में ही गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं। बट रात की वजह से, अंधेरे की वजह से कुछ देख नहीं रहा था। A few moments later. 4 बजे सुबह हम घर पहुंचे थे और फिर हम सो गए। उसके बाद हम 7 बजे उठे और पीछा यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही है, बिस्किट खा रही है अपना। और ये है राजकुमार, जिसका नाम है कछुए का। ये हमारे घर का सबसे क्यूट मेम्बर है, इसे खाना खिला रही है मम्मी भी। लो खाना, लो खाना, लो। क्या खाला है कल कछुआ बाबू? छेना करा। जाना वो नीचे के लोगों को सब खा जाएगा चुन चुन के। और फिर धीरे धीरे कृष्ण ने अपने भाइयों से फ्रेंडशिप स्टार्ट कर दी है। और ये है इसका कज़न हर्ष, जो कि पढ़ाई कर रहा था, तो मैडम पहुँच गई है उसके पास। ब्लैक बोर्ड और चौक मिल गया, उसका फेवरेट काम लगी पड़ी है अपना A4 एप्पल लिखने में। देख सकते हैं आप लोग कितना आराम से बैठ, इसको बहुत ये रह रहे के उसके पास जाती थी, उसके पास चुपचाप बैठ जाती थी, जाके उसके गोद में बैठ जाती थी हर्ष के, और चुपचाप क्लासेस लेती थी उसके साथ। ऐसा लग रहा था कि कितनी डिसेंट है ये, बट है नहीं, एक्चुअली में बहुत शैतान है ये। और फिर नहा धो के रेडी हो गई कृषा और लग गए अपनी छोटी मम्मा की सेवा में, उनका पैर दबा रही है। ये है इसका कज़न एक और, किसले नाम है इसका, निकनेम बुल्लू है। तो एक और है, बट उसका मेरे पास उसी वीडियो नहीं है, मैंने डाल पाई, ऐसा कुछ मौका नहीं मिला उसका। अब जो है भोज हो रहा था, ब्राह्मण भोज था। ये दिन में ब्राह्मण भोज होता है, रात को पूरे गाँव को खिलाया जाता है अन्न का दान वान होने के बाद। बैकग्राउंड में सब बिहारी में बात कर रहे हैं हमारी भाषा में, अगर आप सब बिहार से तो समझ पाएंगे। और हमारे जितने भी हैं बच्चे और सारे बड़े सब खाना पीना खिला रहे थे ब्राह्मण को अच्छे से। A few moments later. ब्राह्मण भोज होने के बाद जो कुछ रिलेटिव थे हमारे क्लोज घर के मेम्बर्स जो थे,
जो आए हुए थे गेस्ट बुआजी वगैरह लाइक जैसे उन सब का आंगन में था, बाकी जो गाँव के लोग था उनका हमारे घर के सामने प्लॉट था वहाँ पे टेंट वेंट लगा के उनका हुआ था। सो देख सकते हो बाबू कितने आराम से मस्त होके बैठ के, सबसे पहले वही गई थी बैठ के खाने के लिए, उसे खाना नहीं खाया गया बट वो बैठ गई अपने हिसाब से, एक बच्चा बैठा था उसके साथ जाके बैठ गई है। फिर देख सकते हो आप लोग मस्त नाच रही थी, उसको जब पता चला कैमरा ऑन है तो नाचना स्टार्ट कर दी। ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, ये हम सारी पूरी फैमिली है हमारी जो घर में कारी, और ये है मेरी जेठानी, दोनों की दोनों मेरी जेठानी है, सबसे बड़ी वाली और फिर ये बीच वाली और फिर सबसे छोटी मैं हूँ। फिर पहले उन्हें लगा वीडियो बन रहा है, फिर मैंने कहा मैं फोटो भी क्लिक कर दूँ, तो दोनों पोज देना स्टार्ट हो गई, दोनों पोज देनी है, देख सकते आप तब। सो इस तरीके से हमारे जो घर में जो रिलेटिव आते हैं जो भी, उन सबको घर में आंगन में खिलाया जाता है, घर के अंदर ही खिलाया जाता है। मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा बिकॉज मैं खुद अभी न्यू हूँ, 2 ही साल हुए शादी को, तो मुझे भी इतना अलाउ नहीं था बाहर निकलना, ये तो मैं चुपके से कर रही हूँ। ये देख सकते हो चावल ये ठंडा हो रहा है, बहुत सारा चावल होता है बंदा तो इस तरीके से ठंडा किया जाता है बिखेर के ऐसे बेड पर, और फिर इतना नहीं कर पाई, मैंने खुद नहीं देखा बाहर लाइक टेंट लगा के कैसे हुआ, क्योंकि मैंने खुद घर में ही खाना खाया था भोज का, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था बट जो था मैंने आपके साथ। फिलहाल तो मैं इतना ही दिखा पाई बिकॉज इससे ज़्यादा मैं कुछ खुद नहीं शूट कर पाई और सब बिजी थे, मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, अच्छा भी नहीं लगता। गाँव था, शहर होता तो फिर भी कर लेते, गाँव में थोड़ा उस हिसाब से रहना पड़ता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार दें, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करें। देख सकते हो बाबू से खुद से तो खाया नहीं गया, उसको आता ही नहीं खाना, फिर छोटी मम्मा गई उसको खिलाने के लिए। सो भोज के नेक्स्ट डे मैं निकल चुकी थी अपने हस्बैंड के नानी के घर, कहते हैं कि हस्बैंड के नानी के घर जाने का एक तरह से तीर्थ यात्रा माना जाता है, सो मैं वहीं गई थी। ये वहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर गाँव था, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर। और फिर हम लोग उसी दिन सेम डे हम लोग निकल चुके थे दिल्ली के लिए बिकॉज इतनी ज़्यादा लीव नहीं थी, ना मेरी थी ना मेरे हस्बैंड की थी। सो हम लोग आ गए हैं वापस और कृषा की मस्ती स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेन में लगी पड़ी है अपनी शैतानियों में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ, मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी। अगर आप सबको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग में, ऐसे ही दोनों पापा बेटे लगे पड़े थे शैतानी में, इसको नींद ही नहीं आ रही थी ट्रेन में, बहुत ज़्यादा शैतानी था इसका, देख सकते हो कैसे मज़े कर रही है वो ट्रेन में। बाय।